पूरा देख रहे चोट सा लग गया इसको। पास ले लेते हैं अपने रेबिट के लिए। इसके अंदर देख रहे कितना हरा हरा घास हो गया है। चलो चलो हो गया है, इतना रेबिट के लिए बहुत है। अभी चूजे ना ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, अब आते ही ना देख रहे कैसे भगने लगे। क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो अभी हमारा रेबिट जिसके लिए घास लेके आए हैं वो देखिए इधर में बैठा है। लो खा लो खा लो खा लो, कितने प्यार से ये वाला घास खाता है। और इसको अभी कुछ भी करो कुछ नहीं करता है। फर्स्ट बार हम लोग लेकर आए थे ना तो इसको जब भी छूते थे ना तो भागने लगता था इधर से उधर। अभी देख रहे कितने प्यार से खा रहा है। और सभी चूजे भी आ चुके हैं, इन लोग को लग रहा है ना हम कुछ लेकर आए हैं दाना, पर ये वाला घास ये लोग तो खाएगा नहीं, बस छीट देता है। जैसा कि आपने पहले हमारे वीडियो में देखे होंगे कि जब भी हम लोग घास लेकर आते हैं सभी मुर्गियाँ हमारी छीट देती। देख रहे सभी इंतजार में है कि जैसे ही हम हटेंगे ना वैसे ये लोग आएगा और ये घास को ना ऐसे 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 फैला देगा तो हो जाएगा बिल्कुल नष्ट। अभी रेबिट खा रहा है जब तक हमारे सभी चूजे को उधर हांग देते हैं। चलो 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 भागो 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 भागो, जहाँ पे हमारी मुर्गी सब अंडा दे रखी थी ना भूसा के अंदर में, इधर में अंडा तो आज तो कहीं अंडा नहीं दिख रहा है मुझे। इसी जगह ना कल मैंने ना 6 अंडा निकाला था, सब अंडा ना भूसा के अंदर ना छुपा दी थी। अभी देखिए हम लोग इधर आए और अभी हमारी मुर्गियाँ ना सब छीट ली। देख रहे ये देखिए सभी भिड़ गया लो। अरे हट जाओ, उसमें कुछ नहीं है, खाने दो। ये वाली मुर्गी को इसके बच्चों को कुछ भी छुओ ना तो काटने पे पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए रे यार इस चूजे को क्या हो गया, अरे यार इसको तो चोट लग गया है। इसको कैसे लग गया है चोट, सभी हमारे चूजे ठीक ठाक है ना, सभी ठीक ठाक दिख रहे। इसको चोट लग गया है तो इसको हम थोड़ा दवाई दे देते हैं। चलो इसको तेल लगा देते हैं, पूरा देख रहे चोट सा लग गया इसको। तो अभी इसको ले जाके इसकी माँ को छोड़ देते हैं माँ के पास। अभी इसको हम लोग दवा दे दिए हैं, देख रहे हैं कैसे मारने पे पड़ रही है। तो आज हमारी मुर्गी ने ना फिर से अंडा नहीं दिया है, और इस पे भी जो देती है ना इस पे भी आज नहीं है अंडा। नीचे मैंने ना गिरा दिया है, नीचे की साइड में भी नहीं है। और ये मुर्गा अभी तक बंद है, इसका कोई ग्राहक नहीं आया। जब भी आएगा ना इसको खरीदने के लिए तो हम इसको तुरंत बेच के हटा देंगे, क्योंकि इसके वजह से ना हमारे परिंदे सभी दिक्कत में रहते हैं। अगर ये खुला रहता ना तो जो चोट लगाए ना बच्चे को वो इसी पे नाम आता है कि यही मार दिया होगा, पर ये तो अभी बंद है ये मार नहीं सकता। पर इसमें किसने मारा होगा, हो सकता है मंकी हमला किया हो, मुझे तो मंकी पे ही शंका है, वो आया होगा पास में पकड़ लिया होगा उसी वजह से ऐसा। पर अभी ठीक ठाक है किसमें, हाँ ये वाला चूजा है देख रहा ऊपर भाग रहा है। अभी दवा दे दिए ना तो ठीक ठाक है। और हमारा रेबिट भी अभी जब से घास दिया है जब से खाया जा रहा है खाया जा रहा है। तो इसको ये वाला देख रहे हैं मुर्गी हमारी सब इधर कर दिए। लो खाओ खा लो, ये ले लो। मिनी चूका ना काम अभी चल ही रहा है, रेडी नहीं हो पाया है। अभी 2 दिन लगेगा रेडी होने में, 2 दिन में ना हमारा मिनी जू रेडी हो गया फाइनल सा हो जाएगा, तब हम सभी परिंदों को ना उसमें ले जा के शिफ्ट करेंगे। और नए नए परिंदे भी हम लोग लेके आने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और अभी सभी चूजे देख रहे चे 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 क्या ढूंढ रहे हो। अभी हमारी चाइना मुर्गी है ना आज देखिए इधर बैठी हुई है, क्या हो गया है। इसके लिए भी घर तो बन गया है पर अभी उसमें ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि हर तरफ से खुला खुला सा इस वजह से। और हमारा कड़कनाथ मुर्गा भी ना इधर ही में है, ये तो जब भी आते ना तो भगने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी हमारे सभी परिंदे ना इसी के अंदर ही बंद है, मिनी जो अभी हम लोग का अभी मुझे लगता है 2 दिन में रेडी हो जाएगा। और अभी हमारे देख रहे वाले भी परिंदे ना जो हमारे कबूतर है सब इसी में बंद है। इन लोग को बिना पिंजरे में रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये लोग भी खुला रहेगा ना, तो अभी तक खुला रहता ना तो हमारी ये वाली कबूतरी ना अंडा दे चुकी होती और बच्चे भी निकलने वाले होते हैं। अब 2 दिन और हम लोग को कष्ट है, 2 दिन में हमारे लोग का मिनी जू रेडी हो जाएगा तब सभी परिंदों को ले जा के उसमें शिफ्ट कर देंगे। अभी जो हमारा मंकी है उसको बाहर निकाल दिए हैं, मंकी आज ना पेड़ पे है, क्या हुआ क्यों।
देख रहे कितना आसान आसान सा है। क्या हो गया, इसी पेड़ पे रहो, इस पेड़ पे ना अमरूद भी है, अमरूद नहीं मिलेगा अब यहाँ पे। इसको भी चोट लग गया था देख रहे, तो इसको मैंने दवा दिया तो अभी ठीक ठाक हो रहा है। और क्या हो गया है, नींद आ रहा है तुम्हें, नींद आ रहा है इसको, बहुत दिन से लग रहा है सोया नहीं है, ऐसा कर रहा है। क्या हुआ है मंकी, बोलो 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 बोलो। इतनी ना ये देख रहे हैं भूसा खा रही है, इसमें इसको दाना भी मिला हुआ है, दोनों मिला के दिए ना, बड़े प्यार से खाए जा रही है इसको ना। अब उधर नहीं घासों में नहीं बांधे हैं क्योंकि हर तरफ ना घास अब सूखा सूखा सा हो रहा है, और इधर मैं खुद से ही इसको दाना दे दिए, दाना ही खाएगी। क्या बेटा दाना खाएगा ना, चलो भागो 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 हटो। तो अभी खाने देते हैं इसको हमारी हिरनी, ए हिरनी इसको रोटी देते हैं ना बड़े प्यार से, जल्दी जल्दी खा जाती है, और इसको खाने में इसको दिक्कत सा हो रहा है। खा लो खा लो खा लो, ये कितने प्यार से खा रही है। अभी हम लोग ना गांव वाली भी बकरी लेकर आने वाले, एक जगह हम लोग देखे हैं और जाकर बस लेकर आ जाना है, तो बहुत जल्दी हम लोग लेकर आ जाएंगे। जब हम लोग का मिनी जू रेडी हो जाएगा तो हम उसको भी लेकर आ जाएंगे। चलो चलो खाओ खाओ खाओ। मिनी जू का जो काम बाकी है ना, इधर वाला जो जाल है ना, बस वो लगा देना है, क्योंकि अभी देख रहे हैं इधर से कोई भी बिल्ली आ सकती है, और क्या है ना हमारे इधर कटाई जो होते हैं ना, जो दीवार पे भी चढ़ जाते हैं और गाछ के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, तो इधर आराम से अंदर की तरफ आकर और हमारे परिंदों पे हमला कर सकते हैं। तो ये वाला लग जाएगा ना, और उसके बाद हम लोग को गेट बाकी है, तो गेट ये दोनों लग जाएगा, बस हम लोग का मिनी जू हो जाएगा रेडी। क्योंकि अभी हमारे परिंदों का घर भी बन चुका है, इसमें हमारे कबूतर हैं और रह जाएंगे। मेरे पिताजी बोल रहे थे ना जो इनका घर ना है बहुत बड़ा बड़ा सा बन गया है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बड़ा है ना सही है। अगर आप लोग को बड़ा लगेगा तो मैं इसमें से ना एक और दे दूंगा इधर से, तब थोड़ा छोटा हो जाएगा और उन लोग को भी अच्छा हो जाएगा। और हमारा गोट हाउस जो हिरनी का घर है वो कैसा है आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ए क्या हो गया, क्या कर रहे हो इसमें, इसी में बांध दें हाँ, तो इसको रे। और हमारी हिरनी का जो गेट है ना ये वाला है, इसको ना ऐसे ले आके, ए हटो 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 हटो, इसमें ऐसे बंद कर देते हैं, तब हो जाता है हम लोग का हिरनी का घर बिल्कुल रेडी सा। और हमारा जो चैना मुर्गी का घर है वो कैसा है, बिल्कुल अच्छा अच्छा से लग रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब हमारा पूरा फुल रेडी हो जाएगा ना सेटअप, तब और भी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों आपको तो बहुत पसंद आने लगेगा हमारा मिनी जू। और कई हमारे सब्सक्राइबर ना मेरे गांव के भी हैं, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरा वीडियो भी देखते हैं, क्योंकि मेरे ने आज मैं गया ना तो वो लोग बोला कि भाई आज कल वीडियो नहीं छोड़े हो क्या, मैं अचंभा में हो गया, इन लोगों को कैसे पता चल गया। तो वो बोल रहे कि आपका मिनी जू का ना आता रहता हम लोग को वीडियो, मैंने पूछा कैसे आया, वो बोल रहे कि डायरेक्ट हम यूट्यूब देख रहे थे उसी में आ गया, तो वो लोग हमें देखते तो आज मेरा मिनी जू वो लोग आए थे देख कर गए हैं, उन लोग को बहुत पसंद आया, उन लोग को बहुत वीडियो अच्छा लगा। मैंने भी दिल से मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हाँ मेरी वीडियो पसंद आया उन लोग को। तो आप लोग को भी कैसा लगता है मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, जब तक के लिए बाय दोस्तों।